किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने को ट्रेंच विधि से अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर की प्रथम फोर्टनाइट में बोने के लिए कुछ सावधानी बरतनी जरूरी है। जैसे खेत की गहरी जुताई हो, बीज का शोधन अवश्य किया जाए, बोते समय 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया डाल करके जो बीज के टुकड़े हैं उनको डिप किया जाए, और कम से कम 2 आँख के या 3 आँख के टुकड़ों का प्रयोग किया जाए, जिससे कि जमाव अगर देरी से हो तो ये टुकड़े सड़ने न पाए। अगर ज़मीन में नमी ज़्यादा होती है और ऊपर से ठंड रहती है तो टुकड़ों को सड़ने की संभावना रहती है और बीज खराब हो जाता है। ऐसी दशा में 2 या 3 आँख के टुकड़े बोए जाएँ, और अगर ज़्यादा लेट बोई करते हैं बिल्कुल 3 आँख का टुकड़ा गन्ने का बोया जाना चाहिए। ट्रेंच बनाते समय ध्यान रखें कि खेत की गहरी जुताई कर लें, जो मोल्ड बोर्ड प्लाऊ है उससे करें या चिजलर से कर लें, जैसे कि करीब 35 सेंटीमीटर गहरी जुताई खेत की हो जाए। ये देख रहे हैं सिंगल बट कटर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। सिंगल बट कटर का इस्तेमाल केवल इस काम के लिए कर लें कि एक आँख के टुकड़े खेत के किनारे लगा दें, इनकी नर्सरी तैयार हो जाए, और जहाँ पर जमाव ना हो, अगर 1 मीटर की लंबाई में 3 पौधे न जमते हों तो ऐसी जगहों पर इनको पहली सिंचाई गन्ना जमने के बाद 30-35 दिन बाद जब आप करें तो इनको सिंचाई करते समय ही रोपित कर सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रेंच देख रहे हैं, जब तक गहरी जुताई नहीं करेंगे सीधी ट्रेंच नहीं निकल सकती है। सीधी ट्रेंच निकालने के लिए चिल्डर से जुताई होना ज़रूरी है। गहरी जुताई जब आप कर देते हैं तो ज़मीन जो नीचे की होती है वो पलट जाती है, उसमें धूप लग जाती है, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो उसमें बढ़ जाती है, जिससे जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता गन्ने के खेत हों चाहे गेहूँ के खेत हों चाहे कोई भी फसल हो उसके लिए बढ़ जाती, नहीं तो ये ज़मीन के अंदर पोषक तत्व रहते हुए भी पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर गहरी जुताई करते हैं जड़ों का विकास बेहतर तरीके से होता है, पौधा खेत में खड़ा होने में उसको मदद मिलती है, गिरता नहीं है, लॉजिंग नहीं होती गन्ने में अगर गहरी जुताई आपने कर रखी है, और ट्रेंच अच्छा बनता है। जब तक ट्रेंच अच्छा नहीं बनेगा तब तक आप अच्छी बुआई नहीं कर सकते हैं। तो गहरी जुताई बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ में अगर ज़मीन के अंदर दीमक है तो वह ख़त्म हो जाती है, वाइट ग्रब है तो वह भी नियंत्रित हो जाती है। गहरी जुताई करके तब बुआई करें, और यह ध्यान रखें कि बुआई करते समय अगर देर से बुआई कर रहे हैं तो गन्ने के टुकड़े में दूरी न करें बल्कि उनको मिलाकर आप बुआई करें, और थोड़ी सी मिट्टी पहले अगर 2 सेंटीमीटर डाल कर काम चलता था सितंबर के महीने में, तभी आप 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की मिट्टी से गन्ने के बीज के टुकड़ों को ढक सकते हैं, जिससे कि जमाव होने में बाद में कोई परेशानी ना आए। गन्ने की बुआई करते समय ध्यान रखें कि छोटे छोटे अगर कैरेट हैं उनको ले लें और उसमें बीज को रख लें। अगर बीज को आप बार बार उठाते हैं तो बीज जो आँखें हैं वो ख़राब होने लगती हैं। गन्ने के जो पतले टुकड़े हैं उनको छांट दें, गन्ना जहाँ से काट दिया गया उनको निकाल दें, और फिर बीज की बुआई करें। और बीज जब बोएं, यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया सीधा बोएं और टेढ़ा मेढ़ा ना बोएं। टेढ़ा मेढ़ा अगर बोते हैं तो कुछ मिट्टी कम पड़ती है, ज़्यादा पड़ती है, जो सीड का प्लेसमेंट है वो प्रॉपर नहीं रहता है, बाद में जो एक प्रॉपर कैनोपी बननी चाहिए, जो सिमेट्रिकल पोजीशन होनी चाहिए गन्ने के पौधों को ताकि प्रकाश सभी पौधों पर बराबर पड़े, वह भी इससे प्रभावित होता है। तो सीधा गन्ना बोने का प्रयास करें, और जो लोग बो रहे हैं उनको आप अगर बता देंगे तो निश्चित तौर से वो इस काम को कर लेते हैं, बशर्ते कि उनको जानकारी होनी चाहिए। बोने से पहले सभी जो बोने में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनको आपने बोने के लिए बुला रखा है, उनको सबको समझा दें कि लाल गन्ना छांट देना है, सूखा गन्ना छांट देना है, पतला गन्ना हटा देना है, बीज को ट्रीट करने के बाद ही बोना है। अगर ट्रेंच की गहराई कम हो तो थोड़ा उसके ऊपर ट्रेंच के ऊपर वजन रख करके गहराई को आप बढ़ा सकते हैं। ट्रेंच को एक बार में ना निकालें बल्कि उसको 2 बार में निकालें ताकि ट्रेंच आपका सीधा और गहरा हो जाए।
और ट्रेंच में गन्ना जब बो लें तो इसको ढकने की बताते कि ढका कैसे जाए। काफ़ी किसान भाई फावड़े से मिट्टी गिराते हैं, फावड़े से अगर मिट्टी गिराते हैं तो कहीं मिट्टी ज़्यादा हो जाती है और कहीं पर कम हो जाती है, फिर आप पानी लगाते हैं पानी नहीं लग पाता है। तो इसको आप बहुत आसानी से जो पावड़ी आती है, पावड़ी जिसमें आप ट्रेंच के अंदर इसको चला करके, अभी हम दिखा रहे हैं देखिए पावड़ी से, और जो बीच की मिट्टी है इसको आप बराबर कर दें, और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि मिट्टी कम है तो इसी पावड़ी से, ये आयरन की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, इसी पावड़ी से आप साइड की मिट्टी को भी गिरा करके और बराबर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मिट्टी नहीं गिराएं ताकि ये नाली बनी रहे। किसान भाई गलती ये करते हैं कि फावड़ा उठाते हैं और जो साइड मिट्टी है उसी को नाली में पुनः गिरा देते हैं, फिर ये काम ख़राब हो जाता है। जब खेत में ट्रेंच के अंदर पानी लगाते हैं तो पानी नहीं लग पाता है, अब ढक जा रहा है, पूरे खेत पानी भर जाता है, मिट्टी ढह जाती है, फिर जमाव आपका अच्छा नहीं होता है। किसान भाइयों ट्रेंच से इस प्रकार से बुआई करके और एक एकांतर नाली बना दें खेत के एक छोर पर, उस नाले से ट्रेंच कम से कम 5-6 ट्रेंच को जोड़ करके फिर एक उसका बंधन बना दें और उसी में पानी आप लगाते रहें ताकि 5 ट्रेंच 6 ट्रेंच में एक साथ पानी खेत के अंदर जाता रहे। और ज़्यादा पानी ना आए, अगर ट्रेंच आपकी 20 सेंटीमीटर गहरी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर गहरा पानी आपको देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।